साथ नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको दुधारू गाय की पहचान करना सिखाऊंगा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि आप दुधारू भैंस की पहचान कैसे करेंगे, भैंस को देख करके कैसे पहचानेंगे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको दुधारू गाय के बारे में, यानी आप दुधारू गाय की पहचान उसे देख करके कैसे करेंगे। तो देखिए, जब दूध की बात चलती है तो नंबर वन जो बात आती है हमारे सामने, और वो बात आती है अडर की, कि अगर जिसका अडर बड़ा होगा, जिसका अडर बड़ा होगा, जाहिर है वो दूध अच्छा देगी। तो पहली बात अडर की हो गई, लेकिन वो अडर बड़ा किसी बीमारी की वजह से तो नहीं है, ये भी आप चेक कर लीजिए। ये कैसे चेक करेंगे? जब भी गाय भैंस गाय का दूध निकाला जाएगा तो दूध निकालने के बाद वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। दूध निकालने से पहले फुल बड़ा, उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से थन को देख लीजिए। थन जो होते हैं वो ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। थन होने चाहिए मुठिया, यानी पूरी तरीके से मुट्ठी में आ सके, ऐसे थन होने चाहिए जो एक वयस्क व्यक्ति के मुट्ठी में आ सके, उसे हम मुठिया थन बोलते हैं। तो मुठिया थन वाली जो गाय होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। कईयों के थन ज़्यादा लटकते हैं, उनमें भी परेशानी है, और जो छोटे होते हैं उनमें भी परेशानी है। इसके अलावा आप अगर गादी को देखते हैं तो गादी बड़ी तो होनी चाहिए, लेकिन गादी के जो पीछे वाला पोर्शन है, जितना पीछे निकला हुआ है उतना ही आगे निकला हुआ होना चाहिए, यानी कि जो थन लटक रहे हैं उनसे जितना पीछे है उतना ही आगे होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है और इसका आप ज़रूर ध्यान देंगे, जितना आगे उतना ही पीछे निकला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो इसके चार क्वार्टर होते हैं उनमें से कोई भी क्वार्टर तिरछा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि हाँ, किसी किसी गाय में हम देखते हैं कि आगे वाला जो क्वार्टर हल्का सा छोटा होता है, दोनों ही हल्के से छोटे होते हैं, और पीछे वाले जो होते हैं वो हल्के से बड़े, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। हल्के से बड़े यानी हल्के छोटे बड़े चल सकते हैं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो भी अगर आप छोटे बड़े भी देख रहे हैं तो आगे के दोनों बराबर होने चाहिए, पीछे के दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं निकले तो फिर वो गाय दूध वाली नहीं होगी। थन जो है उनकी दूरी जो है, जैसे आगे वाले थन है उनकी दूरी और पीछे वाले थनों की दूरी समान होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जो चौकोर बन रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक, अगर चारों समान है तो भाई वो बहुत ही अच्छे दूध वाली गाय होगी। यानी अडर को देख करके आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि गाय जो है वो दूध वाली है। इसके अलावा इससे आगे यहाँ पर आती है फ्रेंड मिल्क वैन। कहाँ से कहाँ तक मैं वाइट से बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। देखो, यहाँ से एक मिल्क वैन रहती है जो कुछ इस तरीके से आगे की तरफ आती है। ये जो मिल्क वैन है ये लंबी होनी चाहिए और आंटे खाई हुई होनी चाहिए। जितने ज़्यादा मिल्क वैन, मतलब जितनी सरपीली होगी उतनी ही गाय जो है वो ज़्यादा दूध वाली होगी। यानी उद्देश्य क्या है, मिल्क वैन लंबी होनी चाहिए, लंबी होगी तो आंटे में होगी। इसके अलावा यहाँ पर गाय की लंबाई भी डिफेक्ट करती है। जो गाय लंबी होगी, लंबी इसका मतलब उसकी मिल्क वैन भी लंबी होगी, तो वो ज़्यादा दूध देगी बनस्पति की छोटी गाय के। तो गाय की लंबाई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूध के हिसाब से। इसके अलावा गाय अगर चौड़ी है तो अच्छी बात है, अगर चौड़ी नहीं भी है तो एक बात का ध्यान रखें, गाय आगे से पतली और पीछे से चौड़ी जो होगी उस गाय का दूध ज़्यादा होगा। आगे से पतली पीछे से चौड़ी होगी उस गाय का दूध भी ज़्यादा होगा, ये भी आप मान लीजिए। इसके अलावा स्किन को अगर हम देखें तो एकदम से सॉफ्ट स्किन होनी चाहिए और शाइनिंग होनी चाहिए। जिसकी स्किन सॉफ्ट और शाइनिंग होगी वही गाय ज़्यादा दूध देने वाली होगी। यहाँ पर तो सींग है नहीं, जबकि अगर सींग वाली देखें तो सींग में भी जिसके सींग ज़्यादा काले होंगे, गहरे काले, वो ज़्यादा दूध देने वाली होती है। तो ये भी एक छोटा सा है। इसके अलावा आँखों को देखिए, आँखें एकदम से क्लीन होनी चाहिए, एकदम से क्लीन। आँखों में किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार का पानी, कुछ भी जिस गाय के नहीं है तो आप देख लीजिए कि ये गाय पक्का ज़्यादा दूध देने वाली है। इसके अलावा भाई नस्ल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ ऐसी गायें जो अच्छी नस्ल की होती है वो अच्छा दूध देगी, जिनकी पेडिग्री अच्छी होती है, जैसे प्योर गिर
अच्छा दूध देगी, प्योर साहीवाल। तो गाय की प्योरिटी के ऊपर भी दूध निर्भर करता है। इसके अलावा कुछ गायें हैं जो दूध के लिए जानी जाती है, जैसे विदेशी नस्लें, होलिस्टीन वगैरह, तो उनका दूध जाहिर है ज़्यादा होगा। तो नस्ल की बात अलग रह गई, अगर आप निवेदन करेंगे तो नस्ल के हिसाब से अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ टिप्स मैंने जो आपको दिए हैं वो टिप्स आपको एक अच्छी गाय की पहचान करने में जरूर मदद करेंगे। तो अडर की बात को आप याद रखिएगा, अडर चौड़ा मोटा जरूरी है। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।